ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते क्रेज से इस बार फेस्टिव सीजन में ज्यादातर वक्त तक बाजारों की रौनक फीकी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि देश भर के व्यापारियों के लिए इस साल दिवाली पिछले 20 वर्षों में सबसे ज्यादा खराब साबित हुई। लेकिन इससे केवल भारतीय दुकानदारों पर ही असर नहीं पड़ा, बल्कि कम बिक्री ने चीन को भी बड़ा झटका दिया है। आमतौर पर दिवाली के दौरान चीनी सामान भारी मात्रा में बेचा जाता है, लेकिन इस बार पिछले साल की तुलना में करीब 60% की गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट चीन के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि चीन के उत्पादों का दुनिया भर में भारत सबसे बड़ा बाजार है। अपने उत्पादों के सहारे लगातार भारतीय रिटेल बाजार पर अपना एक अधिकार बनाने की कोशिश में लगे चीन के लिए ये एक बड़ा झटका है। चीनी उत्पादों की बिक्री में 60% की गिरावट का आंकड़ा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के हालिया सर्वे में सामने आया है। इस सर्वे के दौरान दिवाली के दौरान देश के 21 शहरों में सर्वे किया गया। दिवाली 2018 में बेचे गए चीनी सामानों की कीमत करीब 8,000 करोड़ रुपए थी। इस साल दिवाली पर चीनी सामानों की बिक्री घटकर महज 3,200 करोड़ रुपए रह गई। व्यापारी संगठनों का दावा है कि चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम का ये असर है कि अब भारतीय ग्राहक चीन में बने सामान को खरीदने से परहेज कर रहे हैं। व्यापारी संगठन कैट का कहना है कि पिछले साल भी बहिष्कार की मुहिम से चीन के सामान की बिक्री में 30% की गिरावट आई थी, लेकिन बहिष्कार की ये मुहिम केवल जागरूकता अभियान तक सीमित नहीं थी। इसके अलावा बाकायदा जुलाई से ही कैंपेन चलाया गया था। कैट ने देश भर के व्यापारियों और आयातकों को सलाह दी थी कि वो चीन से खरीदारी घटा दें। इस वजह से आयातकों ने चीन से कम मात्रा में माल आयात किया और दूसरी तरफ व्यापारियों ने भी स्वदेशी सामान खरीदने पर ज्यादा जोर दिया। इसके चलते इस बार दिवाली पर बाजार में चीनी उत्पादों की सप्लाई कम थी। कैट के सर्वे में ये भी दावा किया गया है कि आखिर किन सामानों की बिक्री घटने से चीनी उत्पादों की बिक्री में ये गिरावट आई है। चीनी उत्पादों की बिक्री में बड़ी गिरावट खास तौर पर गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, फैंसी लाइट्स, बर्तन और रसोई उपकरण, प्लास्टिक आइटम, भारतीय देवी देवताओं और मूर्तियां, घर की सजावट के सामान, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दीवार हैंगिंग लैम्प, होम फर्निशिंग आइटम, फुटवेयर और गारमेंट्स की बिक्री घटने से आई है। सर्वे के दौरान करीब 85% व्यापारियों ने कहा कि उन्होंने इस दिवाली त्योहार के दौरान चीनी उत्पादों की बिक्री में गिरावट देखी है, जबकि बाकी 15% व्यापारियों का मानना था कि भारत में अभी भी चीनी सामान का बाजार बना हुआ है। कैट के सहयोगी संगठन कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी ने 24 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच चीनी उत्पादों की बिक्री का आंकड़ा जानने के लिए देश के 21 बड़े शहरों में सर्वे किया था। कैट का दावा है कि चीन हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहता है, साथ ही चीनी सामान की क्वालिटी भी काफी खराब है। इन दोनों वजहों से ग्राहकों ने भी इस बार चीन के सामान से दूरी बनाए रखी।